हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास रेसिपी, क्योंकि ये रेसिपी है एक मिठाई की रेसिपी और मिठाई खाना किसको नहीं पसंद है। तो ये है नारियल के लड्डू की रेसिपी। नारियल के लड्डू बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल, और ये मात्र दो इंग्रेडिएंट से बन जाता है। आप लोग दिल खुश करने वाली इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कैसा हुआ था। और इस वीडियो को अगर आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ मैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू के लिए सबसे पहले तो चाहिए होगा हम लोगों को नारियल, और मैंने यहाँ पे दो नारियल को घिस के ऐसे कुछ इस तरह का ले लिया है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे 150 ग्राम की चीनी लिया है, और चीनी के साथ मैंने यहाँ पे दो कार्डमम यानी कि इलायची ले लिया है। अब मैं एक कढ़ाई में चीनी को डाल दूंगी, और उसके साथ जो दो इलायची लिया था उसको भी मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। जिस कटोरी में मैंने चीनी लिया था उसी कटोरी के हाफ कटोरी में यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नारियल का लड्डू जो आप जिसमें बनाएंगे वो जो है थोड़ा सा मोटा वाला पैन आपको चाहिए होगा। तो अभी मैं इसमें नारियल को डाल रही हूँ। जब चीनी और पानी अच्छे से घुल मिल जाए उसके बाद ही आप नारियल को इसमें डालेगा। बस इसको आप मध्यम आंच पे यानी कि मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से पकाते जाइए जब तक ना ये थोड़ा सा सूखा सूखा बन जाए। तो ये देखिए रस जो है बिल्कुल ही सूख चुका है, तो ये लगभग थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर इसको हाथ के मदद से ऐसे गोल कर लीजिएगा तो आपका नारियल का लड्डू जो है बिल्कुल ही फटाक से बन जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है और ये कितनी जल्दी बन जाता है, लेकिन खाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इसको बनाने के बाद आप थोड़ी देर इसको रख दीजिएगा, फिर इसको खाइएगा, इसका कलर जो है बिल्कुल व्हाइट आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।